आज पढ़ेंगे अपन 12th क्लास के फिजिक्स में सॉलिड एंड सेमी सॉलिड डिवाइस कंडक्टर के बारे में, जिसमें देखेंगे अपन यूजेस ऑफ पीएन संधि डायोड ऑफ रेक्टिफायर रेक्टिफायर के बारे में अपन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपन पीएन संधि डायोड को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया देखेंगे। तो दिष्ट धारा में कैसे बदला जाता है जी कोई भी चीज़ को? तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण बोलते हैं, जिसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, और इसमें प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह दो प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा होता है जी? अर्ध तरंग दिष्टकारी, जिसका ये डायग्राम बना हुआ है, और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है दोस्तों, यह दो प्रकार के होते हैं। ये डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। पहला होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, और किस चीज़ को बदलता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो यह कितने प्रकार के होता है पूछेंगे, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे तो पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत की धारा में प्रवाहित होती है, इसका प्रयोग दिष्ट धारा की तरह किया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरा प्रकार का कैसा डायग्राम बनता है, उसके बारे में फिर इसका डिटेल समझ लेंगे अपन। तो इसको बोलते हैं देखिए पूर्ण तरंग दिष्ट धारा। इसमें क्या है? पूर्ण तरंग है, इसको बोलेंगे पूर्ण तरंग दिष्ट धारा। ठीक है दोस्तों, तो अपन पहला वाले के उसमें देखते हैं कि पहला वाले का यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं और किस प्रकार से इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में लाने के लिए परिपथ तैयार करते हैं। इसमें टी एक अपचयी ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये टी जो है क्या है? अपचयी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है जी, प्राथमिक कुंडली के सिरों को प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ लगाया जाता है। प्राथमिक सिरक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं अपन। तो द्वितीय कुंडली के एक सिरे में ए और पी एन संधि डायोड को पी, ठीक है जी, ए एन पी एन संधि डायोड में इसको धारा प्रवाह किया जाता है पी, दूसरा सिरा बी, पहला सिरा ए और दूसरा सिरा बी। ठीक है, उच्च प्रतिरोध के द्वारा कैथोड एन के किरण के द्वारा दिया जाता है। अब इसकी कार्यविधि देखेंगे तो जब ट्रांसफार्मर टी को प्राथमिक कुंडली पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। अब किस पे लगाने के लिए बोल रहे हैं हमें? टी पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देंगे जी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो दिष्टकारी कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित होती है। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर रंग गए तो इसमें भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित होगी। यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो यहाँ तक है अपना, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर रख देंगे तो यहाँ तक भी होगी अपना। ट्रांसफार्मर क्या करती है? कोई भी चीज़ को या तो कम कर देगी या तो ज़्यादा कर देगी। अपन ने इस चीज़ के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का एक सिरा बी और सिरा ए के सापेक्ष धनात्मक विभव। ठीक है, ये तो प्लस माइनस आपका ए बी के सापेक्ष धनात्मक ए ऋणात्मक। अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो ये धनात्मक करेगा, ये ऋणात्मक करेगा, ये तो बच्चा जानता है जी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे तो इससे होकर धारा प्रवाहित होती है, जिसे लोड आर का मान या धारा के सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। अब सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, सी से डी की ओर धारा ऐसे प्रवाहित होती है, मतलब यहाँ से ऐसे धारा निकली, यहाँ से ऐसे हो ऐसे प्रवाहित हो रही है बोल रहे हैं। ठीक है, फिर द्वितीय चक्र में ए बी सिरे के सापेक्ष ऋणात्मक विभव होता है, जो हमने बता ही चुका था। फिर आगे देखेंगे तो अब इसको कहते कैसे हैं, तो इस सिरे में निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में लोड में से धारा प्रवाहित होती है। लोड में से क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है जी। ठीक है, द्वितीय अर्धचक्र में नहीं होती, अतः इसे पी एन डायोड को अर्ध संधि डायोड भी कहते हैं। इसके बारे में अपन समझ लिए। अब इसका आगे कुछ लिख लेते हैं क्या इसके बारे में जी अपन? तो चलिए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहला शब्द था हमारा कि क्या था जी? पहला शब्द
दिष्टकरण आया था ना, दिष्टकरण, तो दिष्टकरण होता क्या है इसके बारे में बोलेंगे। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया, बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं जी? दिष्टकरण कहते हैं। और इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है जी। अब यह दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अर्ध तरंग, दिष्टकार जिसको हम लोग पढ़े, तो इसको क्या किसको बोलते हैं? तो अब इसको बोलेगा तो कैसे लिख सकते हैं जी इसके बारे में अपन? तो देखिए, निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में चक्र में ही लोड में से धारा प्रवाहित होती है। द्वितीयक अर्धचक्र में नहीं होती, प्रथम अर्धचक्र में होती है, द्वितीयक में नहीं होती। अतः पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग संधि डायोड कहते हैं। अब इसमें क्या था दूसरा जी? पूर्ण तरंग दिष्टकरण, पूर्ण तरंग दिष्टकरण क्या होता है अब इसके बारे में अपन समझेंगे। तो देखिए, निवेश, यहाँ भी अपन निवेश ही करेंगे ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्र में लोड में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः इस रूप में पीएन संधि डायोड होता है, डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकरण कहते हैं ठीक है जी। ये अपना पूरा डिफिनेशन हो गया। अब इसका डायग्राम एक बार आपको समझा देता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे थे हम लोग? निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जब मान लीजिए निवेश कर रहा है, निवेश प्रत्यावर्ती वोल्टेज फिर ट्रांसफार्मर में देते हैं, तो दोनों अर्ध कोणों में
क्या होता है जी? अर्धचक्रों में लोड मीन्स के जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अतः वह पी एन संधि डायोड में होती है। अब इससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज ट्रांसफार्मर में आएगी, ट्रांसफार्मर से पी एन डायोड में आएगी, तो इस ऐसे करके विद्युत धारा ये पूर्ण तरंग में हो रही है। यहाँ भी होगी, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, यहाँ पे आर एच वाला जो लगा था रेजिस्टेंस वहाँ यहाँ लगा था, लेकिन यहाँ बीच में लगेगा। और ये दोनों पूर्ण धारा दोनों तरफ, जैसे कि इस तरफ भी धारा प्रवाह हो रही, इस तरफ भी, तो इसको बोलेंगे पूर्ण दिष्ट धारा तरंग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में।